न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की। नए मंत्रिमंडल में राज्यसभा के 11 सदस्यों को किया शामिल, 37 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं। हरियाणा से 3 और राजस्थान से 4 सांसद भी मंत्रिमंडल में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नए मंत्रिमंडल में राज्यसभा के 11 सदस्यों को किया शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए मंत्रिमंडल में 11 राज्यसभा सदस्यों को शामिल किया गया है। मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में लोकसभा के 59 नवनिर्वाचित सदस्य हैं। नए राज्य मंत्रियों में से रवनीत सिंह बिट और जॉर्ज कुरियन न तो लोकसभा के सदस्य हैं और न ही राज्यसभा के, तथा उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित कुल 21 कैबिनेट मंत्रियों में से 5 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि उच्च सदन के 6 अन्य सदस्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के कुल सदस्यों का लगभग 15% प्रतिनिधित्व करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनमें जगत प्रकाश नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विन वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी शामिल। सर्वानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वे लोकसभा के लिए चुने गए हैं। राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए गए राज्यसभा सदस्यों में रामदास आठवले, रामनाथ ठाकुर, बीएल वर्मा, एल मुरुगन, सतीश चंद्र दुबे और पवित्रा मार्गरेटा शामिल है। आई बढ़ते अगली खबर। 37 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार की शपथ लेने वाले नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे समेत पूर्ववर्ती सरकार के 37 मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। पुरुषोत्तम क्रमाला, अर्जुन मुंगा, आर के सिंह और महेंद्र दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री से लेके उन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। स्वतंत्र प्रभार वाले सत्रियों को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछली सरकार के 42 राज्य मंत्रियों में से 30 की इस बार हटा दिया गया। एल मुरुगन पिछली सरकार के एकमात्र ऐसे राज्य मंत्री हैं जो चुका, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया है, पहले में ही राज्यसभा के सदस्य हैं। आई बढ़ते अगली खबर। हरियाणा से 3 और राजस्थान से 4 सांसद भी मंत्रिमंडल में। हरियाणा में पिछड़े वर्गो और पंजाबी मतदाताओं को भाजपा से जोड़े रखने के लिए 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन करते समय पिछड़े वर्ग के 2 सांसदों राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर को फुर्द से जगह दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद से हटाए गए मनोहर लाल खट्टर को करनाल से सांसद बनने के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। भाजपा पंजाबी मतदाताओं और पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। वही एनडीए सरकार में इस बार फिर राजस्थान को खास तरजीह दी गई है। सूबे में 25 में से सिर्फ 14 सीट जीतने के बावजूद अच्छा प्रतिनिधित्व मिलने से सियासी जानकर भी चकित थे। मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट में 4 मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव व अर्जुन राम मेघवाल शामिल है। बता दें कि इनमें से भागीरथ चौधरी पहली बार मंत्री के रूप में काम संभालेंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। अब कुछ चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।